बस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टॉप अप इवेंट के सारे रिवॉर्ड कि वो गाइस किस तरह से दिखते हैं। और इसी के साथ गाइस हम बात करेंगे इलाइट पास की कि वो सस्ते में आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और गाइस जो पहला रिवॉर्ड है गाइस वो ये बंडल है। गाइस ये फीमेल बंडल गाइस देख लो, ये टॉप अप रिवॉर्ड का है। ये कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दो गाइस। और गाइस मेरे हर वीडियो में गाइस एक साइलेंट सा गिव अवे रहेगा गाइस। मतलब मैं बताऊंगा नहीं गाइस किस वीडियो में गिव अवे रहेगा, लेकिन गाइस मैं अपने मन से गाइस सरप्राइज वाला गिव अवे रख दूंगा। तो गाइस हर वीडियो में आपको क्या करना है, सिंपली सा वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। गाइस ये पहला जो रिवॉर्ड है, दूसरा जो रिवॉर्ड है गाइस वो लूट बॉक्स है। गाइस ये देख लो गाइस आपको कैसा लगा। मुझे तो गाइस अच्छा लगा, उतना बुरा नहीं है गाइस। और गाइस इसके बाद हम बात करें इमोट की, तो गाइस इमोट हमारे लिए तीसरा रिवॉर्ड है। सो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। इमोट जो है गाइस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और गाइस इमोट देख लो आप, इसको मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ गाइस आपको। तो ये वाला इमोट है गाइस, देख लो एक फनी सा डांस है गाइस। ये गाइस एक मूवी में ऋतिक रोशन ने गाइस इस तरह का डांस किया है, और यही वाला गाइस आपको इस गेम में देखने को मिला है। सो गाइस किस किस को ये इमोट पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताओ। और इसी के साथ गाइस किस किस ने इसको निकाला है ये भी कमेंट ज़रूर करना। सो गाइस यहाँ पे चार टॉप अप रिवॉर्ड हैं जिसमें से मैंने तीन क्लेम कर लिया है, और ब्लूप्रिंट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि गाइस अब भी जब तक वो डिस्काउंट में नहीं आएगा तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे टॉप वाली बंदूक की निकालनी है एक्समेट की। सो गाइस अब हम बात करें इलाइट पास की, तो गाइस आज 28 अक्टूबर हो चुके हैं। सो मैं इलाइट पास बाय करने वाला हूँ क्योंकि गाइस गरेना वालों ने इलाइट पास का डिस्काउंट जो है अब हटा दिया है, और मुझे नहीं लगता गाइस कि अब वो नेक्स्ट मंथ भी इलाइट पास का डिस्काउंट देगा। सो गाइज हम यहाँ पर इलाइट पास बाई कर चुके हैं गाइज, और हम अब एक एक आइटम गाइज आपको दिखाएंगे, एक एक रियर आइटम पे गाइज हम बात करेंगे, और बाकी छोटे मोटे रिवॉर्ड जो है ऐसे क्लेम करते हुए हम दिखाते हैं गाइज आपको। सो गाइज जो पहला जो रियर आइटम है गाइज वो ये है गाइज, आपका पैन है गाइज, आप लोग देख लो। इस ये इलाइट पास गाइज 2-3 दिन में ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग इसको बाय जल्दी से कर लो क्योंकि गाइस डिस्काउंट के चक्कर में आप इसको गवा दोगे। और ये लाइट पास गाइस काफ़ी अच्छा था, और जो गाइस नेक्स्ट मंथ लाइट पास है उसको भी आप ज़रूर लेना क्योंकि गाइस उसमें आपको टोकन मिलेगा, एक जो गाइस ब्लू फ्लेम ड्रैको का है गाइस टोकन, अपग्रेड टोकन, वो आपको नेक्स्ट लाइट पास में देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ गाइस हमारा जो दूसरा रेयर आइटम है वो ये फीमेल बंडल है गाइज, इसको हम इक्विप कर लेते हैं। और इसके साथ गाइज हमें कुछ ये पेट फूड और वाउचर्स वगैरह मिलते हैं। तो गाइज एक एक आइटम हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी में गाइज आप जो दूसरा जो तीसरा गाइज आपका रेयर आइटम है वो एक बार फिर से देख लो गाइज। हमें एक बार जो है एक पिस्टल की स्किल मिल चुकी है G1-8 की, तो गाइज इस बार हमें लाइट पास में G1-8 की स्किल देखने को मिली है जो मैंने बहुत पहले से गाइज दिखा दिया था, और गाइज आप लोगों ने इलाइट पास में तो देखा ही होगा। सो गाइज नेक्स्ट मंथ का इलाइट पास मैं आपको कल वीडियो बना के डाल दूंगा, और आप लोग को गाइज दिखा दूंगा कि नेक्स्ट मंथ का इलाइट पास कैसे होने वाला है। सो गाइज चौथा जो रेयर आइटम है गाइज ये हमारा सर्फबोर्ड है, और गाइज इसको हम कर लेंगे इक्विप। और गाइज ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट करना आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ गाइज ये कुछ बैनर और स्कैनर वगैरह हैं, सो ये सब हम इक्विप करने के बाद पांचवे रेयर आइटम की तरफ चलते हैं। और गाइज हमारा जो पांचवा रेयर आइटम है गाइज वो है ये इस ग्रेनेड। ग्रेनेड का इफेक्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले गाइज हम सारी चीज़ें इक्विप कर लेते हैं, सॉरी क्लेम कर लेते हैं। और इसी के साथ छठवा जो हमारा रेयर आइटम है ये लूट बॉक्स है। सो गाइज ये लूट बॉक्स हमें इस बार के प्री ऑर्डर में देखने को मिला था। सो गाइज ये बहुत ही बेकार रहा क्योंकि प्री ऑर्डर लेने वाले सारे बंदे को ये दोबारा से देखने को मिल गया इलाइट पास में, तो इसका कोई मतलब रह नहीं गया गाइज। और मैं बात करूँ नेक्स्ट प्री ऑर्डर की, तो गाइज आपको एक कैप देखने को मिलेगा जो मैं कल के वीडियो में डाल दूंगा। तो गाइज यहाँ पे हमने ज़्यादातर चीज़ें क्लेम कर ली हैं। अब हम बात करते हैं सातवें रेयर आइटम की, और जो सातवां रेयर आइटम है गाइज वो हमारा बैकपैक है। बैकपैक भी काफ़ी ऑसम लुक के साथ गाइज देखने को मिलता है, इसका मैं 1, 2, 3 लेवल्स दिखाऊंगा गाइज आपको, लेकिन उससे पहले ये सारे रिवॉर्ड हम क्लाइम कर लें।
सो गाइस हमारा जो लास्ट और फाइनल गाइस रेयर आइटम है वो ये मेल बंडल है। और गाइस ये मेल बंडल ही इलाइट पास का सबसे मेन कलेक्शन होता है। सो ये कैसा दिखता है गाइस, मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ। सो गाइस ये इलाइट पास आप लोगों को कैसा लगा था कमेंट ज़रूर करना। और गाइस ये इलाइट पास आप लोग लोगे या नहीं लोगे, क्योंकि इस बार तो डिस्काउंट आया नहीं गाइस, और अब गाइस डिस्काउंट आने का कोई चांस बचा नहीं है। सो आप लोग जल्दी जल्दी बैचेस इकट्ठे कर लो इलाइट पास लेकर। सो गाइस जिसको लेना है वो ले लो। सो गाइस यहाँ से हम कैरेक्टर्स चेंज करते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है गाइस फीमेल मेल बंडल का कलेक्शन। और गाइस हम यहाँ पे मेल बंडल इक्विप करेंगे, इक्विप ऑल कर लेते हैं गाइस। और देख लो गाइस कुछ इस तरह से इसका दिखता है। और इससे पहले गाइस हम ये ग्रीन वाला मास्क जो है हटा देते हैं, अनइक्विप कर देते हैं गाइस। तो ये गाइस कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिस जिसने लाइट पास ले लिया है गाइस वो भी कमेंट ज़रूर करना। इसी के साथ गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं गिव अवे करूँ इलाइट पास का, तो गाइज इस वीडियो पे 100 लाइक कर दो 24 घंटे के अंदर, और इसकी व्यूज़ गाइज 150 कर दो, तो मैं किसी एक बंदे को गाइज जिस तरह से मैंने गिव अवे दिया था उसी तरह से गाइज इलाइट पास का गिव अवे कर दूंगा इस मंथ का। सो गाइज जिसको भी करना है गाइज 24 घंटे के अंदर ये इस पर गाइज 100 लाइक और 150 तक व्यूज़ कर दो गाइस, तो मैं पक्का किसी एक बंदे को गाइस रैंडमली किसी एक बंदे को इलाइट पास गिफ्ट करने वाला हूँ गाइस, गिव अवे में देने वाला हूँ। और इसी के साथ गाइस हम बात करें ग्रेनेड की। सो ग्रेनेड का इफेक्ट भी मैं आपको दिखा दूँ कि ग्रेनेड का इफेक्ट गाइस कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि गाइस मुझे बहुत ही ओपी वाला लगा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना गाइस। और इसी के साथ हम बात करें पैन की, तो पैन गाइस कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलता है। तो गाइस पैन भी काफ़ी अच्छा है। और इस बार हमें जो पिस्टल मिली है गाइस उसकी एबिलिटी देखते हैं कि वो क्या है। सो गाइस पिस्टल ये रहा गाइस, इसमें कोई एबिलिटी नहीं है गाइस, ये फालतू का सिर्फ एक स्किल है गाइस। इसमें अगर एक डैमेज सिंगल डैमेज दे देता ना गाइस तो मज़ा आ जाता, मतलब क्या बताऊँ बहुत ही अच्छा होता अगर कोई इसमें एबिलिटी होती, लेकिन खैर कोई नहीं गाइस। और गाइस अगर आप हमारे साथ नेक्स्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो गाइस इस नंबर पे व्हाट्सअप ज़रूर करें जिसको भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना हो। सो गाइस इस वीडियो में यही था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस ये इमोट जो है गाइस जो आया है टॉपअप में वो फिर से दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, तो जिसको भी गाइस पसंद है वो टॉपअप ज़रूर कर ले। और गाइस अगर आप सच में चाहते हो कि मैं इसी लाइट पास का गिव अवे करूँ, तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली कमेंट करना है, वीडियो को 100 लाइक तक पहुँचाना है गाइस। और जो इसका जो व्यूज़ है गाइस 24 घंटे में गाइस कम से कम 150 व्यूज़ आ जाने चाहिए, इससे ज़्यादा तो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आई होप कि आप लोग इतना ज़रूर कर लोगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।